दोस्तों लकड़ी पर फिनिशिंग लाने के लिए हमें उसको पॉलिश करना होता है, और पॉलिश में भी कोई अच्छी पॉलिश करना चाहते हो तो वहाँ पे हमें वुड सीलर यूज़ करना होता है। तो दोस्तों वुड सीलर कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए सबसे पहले वुड को एक प्रिपरेशन करनी होती है। प्रिपरेशन करने के लिए आपको वुड को अच्छे से सैंडिंग करनी होती है। सैंडिंग करने के लिए आप पहले 150 नंबर का सैंड पेपर यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद 220 नंबर का पेपर यूज़ कर सकते हो। 220 नंबर का पेपर यूज़ करके आप इस तरह से लकड़ी को जितना हो सके उतना स्मूथ कर लेना है हमें, ताकि जो हमारा उसके ऊपर जितने भी वेस्ट लाइन्स या फिर ग्रीन्स है वो सब अच्छे से घिस जाए और हमारा वुड एकदम स्मूथ हो जाए। जैसे ही हमारा 220 नंबर का पेपर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमें 320 नंबर का यूज़ कर लेना है, और उससे भी एक बार अच्छे से वुड को सैंडिंग कर लेनी है, ताकि फिर से वो हमारा एकदम स्मूथ हो जाए। क्योंकि दोस्तों वुड जितना स्मूथ होगा उतना ही हमारे आगे के जो प्रोसेस है वुड सीलर लगाना है या फिर उसके ऊपर कोई और पॉलिश लगानी है वो अच्छे से निखार के आती है। जितना वुड फिनिश होगा उतनी ही हमारी पॉलिश अच्छी होती है। दोस्तों जैसे ही हमारा सैंडिंग का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमें उसे अच्छे से एक साफ़ कपड़े की मदद से पूरे वुड को साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के लिए आप एयरगन भी यूज़ कर सकते हो, ताकि जो डस्ट है वो साफ़ हो जाए। दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको एशियन पेंट का पीयू सीलर यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसकी MRP 1 लीटर की 655 रुपये के आसपास है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे मिक्स कैसे करना है, क्योंकि मेन तो यही है कि पीयू जो भी आप करना चाहो, पीयू मेलामाइन, उस सब में हार्डनर आते हैं। तो हार्डनर का जो रेशियो होता है वो आप कम्प्लीटली अच्छे से नहीं मिलाओगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कम डालो तो वो अच्छे से सूखता नहीं है, टाइम ज़्यादा लेता है, इसे अच्छे से करना होता है। जब भी आप पीयू का जो बेस है उसका डब्बा खोलो तो उसे एक बार अच्छे से साफ लकड़ी या फिर कोई ऐसे लेके अच्छे से मिक्स कर लो, यानी कि हिला लो, ताकि जो उसके केमिकल है वो सब अच्छे से एक साथ हो जाए। उसके बाद ये हार्डनर है, हार्डनर को भी उसी तरह से हमें पहले खोलने से पहले एक बार हिला देना है। और दोस्तों याद रखना है, आप अगर ये रीयूज़ कर रहे हो यानी कि पहले यूज़ किया है, तो जो ढक्कन है उसको प्रॉपरली एयर टाइट करना है, ताकि जो हमारा हार्डनर है वो सूख ना जाए, वरना ऐसे ही खुला रहेगा तो वो सूखने लगता है और हमारा पूरा बिगड़ जाता है, फिर मटेरियल बेस मटेरियल कोई काम का नहीं रहता है। जैसे कि आपने देखा, अभी मैं इसको पूरी तरीके से नाप के लेने वाला हूँ, इसलिए हमने 100 ml की जो बॉटल थी उसके ऊपर मार्किंग वाली उसे काट लिया है, और उसके बाद उसके अंदर मैं बेस डाल रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको 50 ml बना के दिखाने वाला हूँ। वैसे रेशियो मैं आपको अभी पहले बता देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ मैंने यहाँ पे 45 ml लिया है। रेशियो होता है 9:1, यानी कि 90 ml हमें बेस लेना है और उसके अंदर 10 ml हमें हार्डनर लेना है। उस हिसाब से हमारा अभी मैं 50 ml बना रहा हूँ, तो 45 ml हमने बेस लिया है और 5 ml हार्डनर लिया है। और इसी तरह से हमें जो 100 ml बना है उसके अंदर 20 से 30 ml थिनर भी डालना है, और सबको अच्छे से पहले मिक्स कर देना है। एक बात और याद रखना दोस्तों, पहले बेस और हार्डनर को अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद ही हमें उसके अंदर थिनर ऐड करना होता है। इसी तरह से हमें पूरा मटेरियल बना लिया है। अभी सब मैं जो डब्बे वगैरह साइड में रख देता हूँ, और हमारी जो लकड़ी हमने ली थी उसके ऊपर ही मैं ये करके दिखाने वाला हूँ। तो करने के लिए हमें एक कॉटन का कपड़ा लेना होता है। इस तरह से आप कॉटन का कपड़ा लीजिए और उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद कुछ इस तरह से आप फोल्ड कर दीजिए, और उसके बाद जो हमने सीलर बनाया है उसमें इस तरह से डिप करना है। डिप करने के बाद हमें वुड के ऊपर लगाना स्टार्ट करना है। इसके लिए आप कोने से लगाना स्टार्ट करोगे इस तरह से। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से मैं कर रहा हूँ, आपको एक बार दूसरी साइड से भी करके दिखाता हूँ। आपको इसी तरह से करना होता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक जो हमारा वुड है वहाँ तक पूरा घिसते रहना है, बीच में अटकना नहीं है, ताकि जो उसकी लाइन्स वगैरह है कुछ ऐसा आया नहीं। इसी तरह से आप देख सकते हो मैं पूरी जगह पे घिस के आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह से आपको 2-3 बार घिसते रहना है, इसे 10-15 मिनट सूखने दो, फिर उसके ऊपर लेयर लगाओ। उसी तरह से आपको थोड़ी इसके ऊपर लेयर लगा देनी है। जैसे ही ये सूख जाए तो आप देख सकते हो इस तरह से लग रहा है। अगर ये सूख जाएगा फिर ये मैट फिनिश हो जाएगा, और फिर आपको इसे सैंडिंग करके आगे की पॉलिश है वो करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।